गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमो विष्णु पादाय शिरो प्रभुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नामे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अशोक अश्वशी श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिश्रम विष्णुपाद अशोक अश्वशी श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय को उपस्थित परम पूज्य पाद श्री भक्ति स्वरूप साधु महाराज जी परम पूज्य पाद श्री भक्ति सरस गोविंद महाराज जी परम पूज्य पाद श्री नवीन प्रभु जी पूज्य पाद प्रियानंद बंद महाराज जी पूज्य पाद भक्ति विधान शुभन महाराज जी अन्य त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा देखा जो हरे कृष्ण। आज एक बहुत ही शुभ तिथि है। हमारे रूपानु गुरुजनों में शिला प्रभुपाद जी के गणों में अन्यतम जगत गुरु शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की शुभ तेरभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। पूजनीय वैष्णव ने उनकी महिमा को कुछ कुछ स्पर्श किया है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री बृहद भागवतामृतम में एक बड़ी सुंदर बात कही है। श्री नारद जी एक प्रसंग को स्थापित करते हुए कहते हैं, रसने ते महद भाग्यमितम यदि हितम किंचित उच्चार येषा। नारद जी बता रहे हैं अपनी जीवा को उपलक्ष्य करके कि हे मेरी जीवा हे मेरी रसने, यदि तुम भगवान के प्रिय भक्तों की किंचित सी भी महिमा को वर्णन कर सको तो तुम इसमें अपने परम सौभाग्य को समझना। अपनी जीवा को संबोधित करते हुए श्री नारद जी कह रहे हैं, अरे मेरी रसने, यदि तुम भगवान के इन प्रिय भक्तों की प्रिय जनों की किंचित सी महिमा को भी वर्णन कर सको तो इसमें अपना सौभाग्य समझना। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने टीका में एक बड़ी अच्छी बात कही। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे समान जीवों को संबोधित करते हुए उपदेश देते हुए सनातन गोस्वामी जी एक बड़ी आशा प्रदान कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे महापुरुषों की भगवान के प्रेमी भक्तों की महिमा का गुणगान करने जाओगे तो संभव है हमसे कोई दोष त्रुटि हो जाए। वो तो मुक्त महापुरुष है, उनकी महिमा का गुणगान करने में हमसे कोई दोष त्रुटि हो जाए तो श्री सनातन गोस्वामी जी टीका में लिखते हैं, दोष त्रुटि होने पर भी उनका गुणगान करना ही सर्वदा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो ये प्रेमी भक्त है ना, दोष ना ही देखे प्रभु गुण मात्र लय, वो तो दोष को देखने वाले नहीं है। किंचित से गुण को देखकर अथवा आरोपित करके भी गुण यदि नहीं भी हो, उनके दर्शन में तो सब कुछ गुण ही गुण है, उसको भी आरोपित करके उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी का ये विचार हमारे हृदय में हमारा अधिकार नहीं होने पर भी बड़ी आशा प्रदान करता है, बड़ी आशा। हम लोग जिन महापुरुष की शुभ तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ समुपस्थित हुआ, जिनकी विरह तिथि है, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी हम प्राय सुनते हैं, इस विरह के विषय में उन्होंने एक बड़ा दार्शनिक विचार बतलाया। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मिलने सा एका विरहे तू तन्मयम जगत। मिलन में तो इष्ट की एक स्थान पर एक रूप में स्फूर्ति होती है, किंतु विरह में विरहे तू तन्मयम जगत, विरह में तो इष्ट की सब स्थान पर स्फूर्ति होती है, पूरा जगत ही इष्ट की स्फूर्ति से तन्मय हो जाता है। जैसे राधा जी को कृष्ण के विरह में संपूर्ण जगत ही कृष्ण में दिखलाई देता है, इसलिए हमारे गौड़ीय साहित्य में इस विरह का इतना महात्म्य कहा गया, इतना महात्म्य। तो हम इन महापुरुष की विरह तिथि के उपलक्ष्य में इनकी कुछ महिमा का गुणगान श्रवण कीर्तन करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। शिला प्रभुपाद जी के गढ़ों में इनका स्थान बड़ा अन्यतम, बड़ा अन्यतम। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, हमारे पूज्यपाद नवीन प्रभु जी बतला रहे थे
उन्होंने बांग्लादेश के सिलेट जिले में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का खंडन किया। मैमन सिंह जिला है एक बांग्लादेश में, वहां उन्होंने ज्योतोमत तोतोमत का खंडन किया इस विचार का। अब ये उनके जीवन के आदर्श, उनके जीवन की घटनाओं को हमने बहुत बार सुना है, जाकर के बड़ी निर्भीकता के साथ में उन्होंने इन अप संप्रदाय के विचारों को, जो शुद्ध भक्ति के विरोधी विचार है, इनका भरी सभा में खंडन किया। किंतु इस उनके इस आदर्श के भीतर में बड़ा गंभीर रहस्य छुपा हुआ है, बड़ा गंभीर रहस्य। शिला प्रभुपाद जी दार्जिलिंग में अवस्थान कर रहे थे कभी, और उनसे भेंट करने के लिए एक व्यक्ति, बड़े गणमान्य व्यक्ति आए, उनका नाम था शरद इंदु नारायण। उनके साथ में प्रभुपाद जी का कथोपकथन हो रहा था, बातचीत हो रही है, और उन्होंने प्रभुपाद जी से गौड़िया मठ का जो प्रचार है उसके भविष्य के विषय में प्रभुपाद जी उनको कुछ निर्देश दे रहे थे। निर्देश देते हुए प्रभुपाद जी ने एक बड़ी विशेष बात कही। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, सत्य कथा कहने से लोकप्रियता जनप्रियता अर्जित नहीं की जा सकती। यदि कोई शास्त्रों के वास्तव सत्य को निरपेक्ष निर्भीक होकर कहेगा, उससे सत्य प्रियता जनप्रियता अर्जित नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। किंतु नहीं होने पर भी तो क्या सत्य नहीं कहेंगे? तो शिला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया इस बात का, निरपेक्ष होकर निर्भीक होकर के जो वास्तव सत्य का परिवेशन किया जाता है, कोटि कोटि युगों के पश्चात, कोटि कोटि जन्मों के पश्चात, कोई ना कोई अवश्य ही उसके निगूढ़ सत्य को समझेगा ही समझेगा, शिला प्रभुपाद जी ने कहा। इसलिए गौड़ीय मठ के प्रचारकों का आदर्श है वास्तव सत्य का निरपेक्ष और निर्भीक परिवेशन, ये गौड़ीय मठ के प्रचारकों का आदर्श है। शिला महाराज जी ने जो बांग्लादेश के मैमन सिंह जिले में हो, सिलेट जिले में हो, उन्होंने जाकर के जो ये ज्योतोमत तोतोमत का खंडन किया, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के विचारों का जो खंडन किया, ये शिला प्रभुपाद जी के आदर्श में वो किस परिमाण में अनुप्राणित थे, शिला प्रभुपाद जी के उस आदर्श में उन्होंने स्वयं को किस प्रकार से वो प्रतिष्ठित थे, ये उनके जीवन की किंचित सी छटा मात्र दिखलाई देती है। क्योंकि समय बहुत अल्प है, तो कुछ कुछ बस दो चार मिनट में उनके कुछ एक जो गुणावली है उसको हम लोग सुन लेंगे। हमने अभी अभी एक बात को और श्रवण किया कि पूज्यपाद महाराज जी ने वेदांत के गौड़ीय भाष्य को प्रकाशित किया, वेदांत को गौड़ीय भाष्य के साथ में। इसके पीछे भी एक बड़े रहस्य की बात है। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने अप्रकट होने से पहले जब गोद्रूम में निवास कर रहे थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को अपने निकट बुलाया, और श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कुछ मन की इच्छाओं को, जो अपूर्ण रह गई थी, अपने जो मन की इच्छा उनकी कुछ अपूर्ण रह गई थी, जिनको श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी पूरा करना चाहते थे, कर नहीं सके समय के अभाव के कारण, परिस्थितियों के कारण, वो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के सामने व्यक्त की, जिसको शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं पत्र के माध्यम से बतलाया। कुछ पांच छह बातें श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कही थी, उसमें से एक बात जो श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिला प्रभुपाद जी को कही वो ये थी। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी से कहते हैं, श्रीमद भागवत, षड संदर्भ और वेदांत, इन सब ग्रंथों में शुद्ध भक्ति की तात्पर्य महत्ता को दिखलाने का मेरा आंतरिक यत्न था। ये श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे प्रभुपाद जी से, मेरा आंतरिक यत्न था श्रीमद भागवत षड संदर्भ वेदांत दर्शन में शुद्ध भक्ति की तात्पर्य महत्ता को दिखलाने का, इस कार्य के भार को तुम ग्रहण करना। समझ में आ रही तो बात। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह सेवा भार शिला प्रभुपाद जी के ऊपर अर्पण किया। शिला प्रभुपाद जी ने उस भार को ग्रहण किया और श्रीमद भागवत इत्यादि का प्रकाशन भी किया। किंतु जैसा सुनते हैं, समय के अभाव में, प्रचार में व्यस्तता के कारण, शिला प्रभुपाद जी जिन कार्यों को छोड़ गए, जिन कार्यों को रख गए अपने गणों के लिए, उनमें से ही श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी के मनोविष्ट को, शिला प्रभुपाद जी के मनोविष्ट को इन महापुरुष ने इस उनके इस मनोविष्ट के भार को ग्रहण किया और उसको इतने सुंदर सुष्ट रूप में शिला प्रभुपाद जी के मनोविष्ट को पूर्ण किया। इसलिए उनका नाम जो है वो संपूर्ण उनके गुणों का परिचय देता है, संपूर्ण रूप में उनके गुणों का। उनका नाम है श्री भक्ति शिरूप सिद्धांति। क्यों नाम है ये उनका? बहुत इसमें विशेष एक बात छुपी हुई है, इसमें भी बड़े रहस्य की बात छुपी हुई है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री कविकरणपुर जी श्री रूप गोस्वामी जी की वंदना करते हुए कह रहे, वृंदावनियाम रसकेनि वार्ताम काले नुक्ताम निज शक्ति मुत्का संचारे रूपे व्यत्नो पुनासा प्रभुर विदो प्रागीव लोक सृष्टि। अरे ये वृंदावन की रसकेनि वार्ता ये तो लुप्त हो गई थी कालक्रम से, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संचारे रूपे व्यत्नो पुनासा श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शक्ति संचरित करके उन्होंने क्या किया, वृंदावन की रसकेनि वार्ता को पुनः प्रकाशित कराया। ये कवि करणपुर जी रूप गोस्वामी जी की वंदना कर रहे हैं। हमारे शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने
उनका नाम शिरूप सिद्धांति क्यों है, शिरूप का सिद्धांत क्या है, यह उन्होंने वेदांत दर्शन में प्रदर्शित किया। जो वेदांत का शुद्ध भक्ति तात्पर्यमय जो भाव था, जो विचार था, जो कालक्रम से लुप्त हो गया, जिसकी ओर प्रकाशित करने की श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी की शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी, उस मनोविष्ट को इन महापुरुष ने पूर्ण किया। वेदांत के बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के गौड़ीय भाष्य के साथ उन्होंने अपना जो सिद्धांत कड़ा नाम का भाष्य दिया, जिन लोगों ने अभी पूज्यपाद महाराज जी बता रहे थे ना, थोड़ा सा अनुशीलन किया होगा, श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी की इच्छा थी, शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी, वेदांत के एक एक सूत्र के साथ में श्रीमद भागवत के श्लोकों की कहां कहां संगति है, इस विचार को दिखलाने की शिला महाराज जी ने वेदांत के एक एक सूत्र के साथ में श्रीमद भागवत के श्लोकों की कहां कहां संगति है उसको अपने सिद्धांत कड़ा नाम के भाष्य में उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शित किया है। हमने कुछ सूत्रों पर हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे, एक एक सूत्र पर ना केवल श्रीमद भागवत के श्लोकों की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो टीका है श्री चैतन्य चरिता में श्रीमद भगवत गीता, जहां जहां पर वेदांत के सूत्रों के साथ में संगति है, सब शास्त्रों से उन श्लोकों को, उन उपदेशों को, उन विचारों को लेकर संग्रह किया उन्होंने सिद्धांत कड़ा नाम की टीका में। ये जो उन्होंने काल क्रम से वेदांत का शुद्ध भक्तिमय विचार लुप्त हो गया था उसको इन महापुरुष ने वर्तमान समय में जो प्रकाशित किया है, इसलिए उनका नाम जथा नाम तथा गुण सार्थक ही हुआ है। इसलिए यदि श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को भी श्री गौड़ीय वेदांताचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी से अभिन्न माना जाए, उनका प्रकाश माना जाए, उनकी शक्ति संचरित माना जाए, इसमें कोई अतिशोक्ति की बात नहीं, कोई अतिशोक्ति की बात। बस महाराज जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो शिरूप का सिद्धांत, हरे कृष्णा वंशा कल्पतरु यस्य कृपा सिंधु भेर्चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।